हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली लीगल न्यूज़ गाइस। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की इम्पोर्टेंट लीगल न्यूज़ के बारे में। तो गाइस, जो पहली खबर निकल के आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है, जो कि उसके पास एक पिटीशन डाली थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। अब इस पिटीशन में ये डिमांड लाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जी, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दीजिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अगर वोटिंग होती है तो उसके अगले 48 आवर्स में, मतलब दो दिन के अंदर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नंबर ऑफ टोटल वोटर्स हैं और इलेक्शन के दिन कितने लोग वोट डालने आए और वोटर टर्नआउट परसेंटेज कितना है, ये पूरा डेटा हमको परसेंटेज वाइज भी चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर भी चाहिए। और ये सारे डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड कर देना चाहिए दो दिन के अंदर। अब इस डेटा का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे 100 वोटर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और इलेक्शन के दिन अगर 60 लोग उनमें से डालने आते हैं तो आपके टोटल वोटर्स थे 100, जो वोट डालने आए 60, वोटर टर्नआउट परसेंट क्या हुआ 60% हुआ। तो ये तीनों डेटा हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चाहिए। तो ये डिमांड थी इस पिटीशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है, ये कहते हुए कि ये जो अभी आप पिटीशन लेके आए हो 2024 में, अभी ऐसी सेम पिटीशन 2019 में भी पेंडिंग पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो पहली बात तो इस रीजन की वजह से कोई भी ऑर्डर नहीं पास किया गया। दूसरी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर हम ये डेटा पब्लिक कर देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पोलिंग बूथ्स हैं, वहां का डेटा अगर अपलोड करने पे आ गए तो इसमें जो पोस्टल बैलेट्स जो होते हैं उनको भी काउंट करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगेगी और इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। हालांकि गाइस, जो पिछले दो इलेक्शन हुए थे हमारे लोकसभा के, 2014 में 2019 में, यही सेम डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था, वो भी बिना मांगे। हालांकि इस बार नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं ये सवाल भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक बेंच ने पूछा था भी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इसके बाद जो रीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रीजन बताया वो ये बताया कि ये जो जितना भी डेटा मांगा जा रहा है कि कितने वोटर्स थे, कितने वोटर्स वोट डालने आए, कितना टर्नआउट परसेंटेज था, ये फॉर्म 17C का एक पार्ट होता है जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस दिन पोलिंग डे के दिन उसको फिल आउट करता है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ऐसा कोई भी कानून यहाँ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि एक लीगल ऑब्लिगेशन डाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि उनको ये डेटा पब्लिक करना ही करना है। तो यहाँ पे कोई भी लीगल राइट नहीं एग्जिस्ट करती है कि इलेक्शन कमीशन को जो फोर्स करे कि आप डेटा वेबसाइट पे अपलोड करिए। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि दिक्कत कहाँ निकल के आ रही है। तो देखिए, आप जानते हो कि काफी सारे फेजेस में ये इलेक्शन हो रहा है, तो जब पहले दो फेजेस हुए थे इलेक्शन के तो वहां पे कई जगह वोटर टर्नआउट परसेंट आया था 60%। इसको जब बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रिवाइज किया इस डेटा को और कुछ दिन बाद फिर से रिवाइज डेटा अपलोड किया, तो वहां पे देखने को मिला कि 66% वहां पे वोटर टर्नआउट था। यहां पे मतलब 6% का गैप निकल के आया, जो कि गाइस बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही निकल के आ रहा है कि जो 6% का गैप है वो आ कहाँ से रहा है, ये जो 6% वोटर्स हैं ये सही में वोट डालने आए थे या फिर ये वोट डलवाया गया अलग से, क्योंकि गाइस इन नंबर्स में अगर 2-4% का डिफरेंस आए तो उतना चलिए एक्सेप्टेबल होता है, 6% बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पे वेरी टाइट इलेक्शन होते हैं वहाँ पे 6% बहुत ज्यादा मैटर करता है, और इसीलिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जानना चाहती थी कि ये जो 6% का गैप आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ताकि कंफर्म कर सके कि हाँ इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हो रही है। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि यहां पे बस फर्जी का सस्पिशन एप्रीहेंशन लेके ये लोग बैठे हुए हैं, जबरदस्ती का शक कर रहे हैं, या फिर ये लोग डेलिबरेटली इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन को गिराना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, जो कि हर इलेक्शन की कहानी है। अब जैसे अभी आपको रिसेंट जजमेंट याद होगा जो ईवीएम के ऊपर आया था, ईवीएम की ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था, हालांकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि आज तक जितनी बार भी इलेक्शन हुआ है मोर देन 40 टाइम्स ईवीएम्स की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस निकल के नहीं आया है कि ईवीएम में कोई दिक्कत की बात है। तो यही चीज इलेक्शन कमीशन का फिर से कहने का यही मतलब है कि जितनी पिटीशन फिर से ये लेके आए हुए हैं कि वोटर टर्नआउट परसेंट मतलब डेटा पूरा अपलोड करो, ये सब सस्पिशन के बेसिस पे है, ये सब प्रॉपर और स्मूथ इलेक्शंस के ऊपर जो अभी चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से उसके ऊपर एक दाग लगाने की कोशिश है। और यही है गाइस पहली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है। अब इसके बाद गाइस जो दूसरी खबर निकल के आ रही है वो मणिपुर हाईकोर्ट से निकल के आ रही है, और गाइस काफी सिग्निफिकेंट चीज हो गई है, और वो ये है कि मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर को पास किया है, लेकिन खासियत उस ऑर्डर में ये है
कि इस ऑर्डर को पास करने में मणिपुर हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी की मदद ली है, गूगल की मदद ली है, एआई की मदद ली है। अब देखिए बेसिकली इसमें एक केस होता है विलेज डिफेंस फोर्स, वहाँ की कोई लोकल फोर्स होती है, सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसके एक पर्सनल होते हैं, सिपाही होते हैं, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे ये विलेज डिफेंस फोर्स क्या होती है, क्या उसका वहाँ पे काम है, उसकी सर्विस कंडीशंस क्या है, उसमें से किसी भी पर्सनल को हटाने के लिए, ये सब रिसर्च करने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया कोर्ट ने। और तब पता चला कि हाँ VDF विलेज डिफेंस फोर्स वहाँ की एक लोकल फोर्स है, जिसका एक प्रॉपर असेसमेंट मेथड होता है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट होती है, जो कि वहाँ के लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करती है। इससे साथ ही साथ पुलिस वालों की भी मदद हो जाती है। और बेसिकली यहाँ पे जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज होती हैं उनको रोकने के लिए इनका काम होता है मेनली। और यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जो इस पर्सनल को नौकरी से हटाया गया है, क्या वो सही तरीके से हटाया गया है या गलत तरीके से हटाया गया है, तो ये चीज क्वेश्चन में थी। तो यहाँ पे गाइस मणिपुर हाईकोर्ट ने पाया कि ये जो डिसएंगेजमेंट इनका किया गया है इस फोर्स से, वो बिल्कुल ही गलत है, एंड दैट इज इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस, जिसकी वजह से ये जो पर्सनल थे इनको वापस से फोर्स में जोड़ दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो गाइस ये काफी सिग्निफिकेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा हम लोग कहीं नहीं देखते हैं कि AI का यूज किया जा रहा है कोर्ट कचहरी में, क्योंकि कई बार आप देखोगे तो AI पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, मतलब जो चाहते हो उससे आपको वो नहीं मिल पाता है। तो ये चीजें भी होती हैं, ये आगे चल के कैसे काउंटर होंगी, कैसे इसका समाधान निकलेगा, वो चीज देखने वाली है। बट अभी के लिए काफी बढ़िया स्टेप है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स भी अब धीरे धीरे स्मार्ट हो रही हैं, धीरे धीरे AI से भी अलाइन हो रही हैं। आपका इसके ऊपर क्या सोचना है कि AI क्या रिलायबल है या नहीं, उसको हमारे जस्टिस सिस्टम के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। इसके बाद गाइस जो खबर निकल के आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आ रही है रिगार्डिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा को आप जानते हो, बड़ा बिजनेस के बहुत ही बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका यूट्यूब पे भी, बिजनेस की दुनिया में भी, और ये भी क्लेम करते हैं कि शायद एशिया के या दुनिया के सबसे बढ़िया ये बिजनेस कोच है, तो ऐसा ये क्लेम करते हैं। और अभी आपको इनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में भी मालूम होगा, कितना ज्यादा ये न्यूज में थे, हैशटैग भी चलाए गए थे ट्विटर पे स्टॉप विवेक बिंद्रा बाय संदीप महेश्वरी, दोनों के बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक हुई, अभी भी मुकदमा चल रहा है डेफेमेशन का शायद। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे विवेक बिंद्रा के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि डॉक्टर लाल पैथलैब्स, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है, इनके जो फाउंडर है डॉक्टर अरविंद लाल, उन्होंने इनके अगेंस्ट केस कर दिया है। क्यों केस कर दिया है? क्योंकि बड़ा बिजनेस आप जानते हो काफी ज्यादा कोचिंग के कोर्सेस चलाते हैं। अभी मैं पिछले महीने बस यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, इनका चैनल मुझे दिखा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 10 MBA कोर्स भी चला रहे थे ये, तो ऐसे ये डिफरेंट कोर्सेस चलाते रहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि मथुरा की एक यूनिवर्सिटी है GLA यूनिवर्सिटी, उनसे ये लोग शायद कोलैबोरेशन करके एक साल का एक डिप्लोमा कोर्स ऑफर कर रहे हैं इन बिजनेस। तो डॉक्टर लाल का ये कहना है कि ये जितना भी प्रोस्पेक्टस इसमें यूज किया गया या जितना भी एडवर्टाइजमेंट हर जगह हो रहा है, वहां पे इनका नाम यूज किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये एक वन ऑफ द प्रोफेसर हैं जो कि वहां पे क्लासेस लेंगे, तो जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इनका नाम डाला गया है। हालांकि इनका कहना यह है कि यहाँ पे मेरी कंसेंट नहीं ली गई और मेरा इस सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, मैं एक बार इनका वेबिनार मैंने जरूर अटेंड किया था, GLA यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया था मैंने, लेकिन वो एक ही बार हुआ था और वो भी इन्विटेशन पे आए थे। उसके बाद से ऐसा इनको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे रेगुलर प्रोफेसर होने वाले हैं, रेगुलर क्लासेस लेंगे, लेक्चर्स लेंगे, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इनका कहना है कि इन गलत तरीकों से जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, ये अपने बिजनेस में मेरे नाम पे फायदा उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ाने आऊंगा, इतना बड़ा नाम पढ़ाने आएगा तो लोग बच्चे जो हैं वहाँ पे कोर्सेज खरीदेंगे। डॉक्टर लाल को यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ही यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। और जो कोर्स की जो प्राइस इन्होंने बताई है, जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, उसका अराउंड शायद 50,000 रुपए टोटल प्राइस है। तो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया है कि हाँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, आपका जो भी वो बड़ा बिजनेस है आप उसमें इनके नाम को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो, इनकी फोटो को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो, अगर कहीं पे है तो उसको हटा दो, क्योंकि यहाँ पे इनकी कंसेंट नहीं है और आप इनके नाम से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक्स पार्टे ऑर्डर पास किया दिल्ली हाईकोर्ट ने, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को डिफेंड करने के लिए कोई भी काउंसिल नहीं आया था। तो ये चीज है। तो गाइज ये है आज की इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी डेली लीगल न्यूज की वीडियोज के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ। जय हिंद।